بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وأن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تَهْرِيمِ الكذب إن شاء الله تعالى. حضرت سامرا رضي الله عنه في कि नबी करीम सल ने फरमाया मैंने रात को देखा कि दो आदमी मेरे पास आए और दरख्त पर चढ़े फिर मुझे इन्होंने एक ऐसे घर में दाखिल किया जो बहुत ख़ूबसूरत और आला बना हुआ था मैंने इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत घर कभी नहीं देखा तो दोनों ने कहा यह घर शोहदा का है बुखारी ने इसको रिवायत किया ये तवील रिवायत का हिस्सा है जिसमें इल्म की कई किस्में हैं वो बाप तहरीम किसम में इनशा आएगी इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि शहदा का कितना दर्जा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्वाब में दिखाया कि दो आए तो इन दोनों से मुराद हज़रत ज़िब्राइल और हज़रत मिकाईल सलाम हैं और ये इंसानी सूरत में आए थे तो इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते अपनी सूरतें और शक्लें बदलने की कुदरत रखते हैं और दूसरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब में दिखाया तो अम्बिया का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है और सच्चा होता है यानी ये अल्लाह की तरफ से होता है तो आपको ख्वाब में शहदा का घर दिखाया गया तो इससे शहदा की फजीलत का जिक्र है और इनकी अजमत का बयान है

कि उमर रुब बिन बिनते बरा ये हारिसा बिन सुराका की वालिदा हैं मस्जिद मस्जिद में हाजिर हुई और दरियाफ्त किया कि हारिसा बदर में शहीद हो गए थे तो अगर वो जन्नत में है तो मैं सबर करूं और अगर दूसरी बात है तो फिर मैं इन पर खूब रोमूँ इस पर आपने फरमाया ए हारिसा की वालदा वो बेशक जन्नत के बाग़ात में है और यकीनन तेरा बेटा फिर दो से आला में पहुंच चुका है तो इसमें हजरत हारिसा की जो वालिदा थी उन्हें फिकर थी उन्हें अपने बेटे की कि मेरा बेटा जन्नत में पहुंचा या नहीं पहुंचा और उनका बेटा जो है वो शहीद हुआ था तो इस पर आप वसल्लम ने फरमाया कि वो तो जन्नत के आला दर्जे में पहुंच गया यानी सबसे बेहतरीन जो जन्नत है जन्नत फिरदौस तो इसमें तुम्हारा बेटा चला गया जन्नत फिरदौस के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम जन्नत का सवाल करो तो जन्नत फिरदौस का सवाल करो तो इससे मालूम हुआ कि उनके बेटे ने जो जिहाद का अमल किया तो पाक के नज़दीक वो अमल इतना पसंदीदा और अच्छा है तो अल्लाह ताला ने उसके बदले उन्हें एक बहुत आला और अच्छा मकाम दिया तो इससे भी हमें शहदा की फजीलत मालूम हुई कि शहदा अल्लाह के, अल्ला के नज़दीक कितने मकबूल बंदे हैं तो इनके वालदा ने जो ये फरमाया था कि अगर मेरा जन्नत में बेटा है तो मैं सब्र करूँ वगरना मैं इस पर ख़ूब रोमूँ तो इसके बारे में ये फरमाते हैं कि ये उस वक्त की हदीस होगी जब नोहा वगैरह हराम नहीं होगा तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि मैं इनके बारे में खूब कोशिश करूं यानी ज्यादा रो तो ये नौहा की हुरमत से पहले का हुक्म होगा शुरू में तो नौहा जायज था लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया व عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي الى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يدي

इनकी लाश आपके सामने रख दी गई मैं इनके चेहरे से कपड़ा हटाने लगा तो लोगों ने मुझे रोक दिया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलिश्ते तुम्हारे वालिद को अपने परों से बराबर साया किए हुए हैं मुतफन अल यानि बुखारी और मुस्लिम का इस पर इतफ़ाक है इसमें जो फरमाया कद मुझिला भी इसका मतलब होता है नाक कान काट देना यानी नाक कान भी काट देते थे इसी तरह आंखें वगैरह भी निकाल कर आ, निकाल देते जिससे आदमी की शक्लो सूरत बिगड़ जाती बल्कि उनका पहचानना भी मुश्किल हो जाता कई सहाबा के साथ मुशरकिन ने बतौर बुग्ज़ और इनाद के ऐसा किया और इनमें हज़रत अब्दुल्ला जो हजरत वालिद जो हज़रत जाबिर रज़ी तैन के वालिद थे वो भी इन्हीं सहाबा में शामिल थे और इस्लाम ने ऐसा करने से मना फरमाया है और फरमाया कि अगर किसी को कत्ल करना है तो इसकी गर्दन उड़ा दी जाए इसकी शक्ल वग़ैरह ना बिगाड़ी जाए इसके नाक कान आंखें वगैरह ना काटी जाए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी की शक्लो सूरत तो मश्रकिन ने बिगाड़ दी मगर अल्लाह के नज़दीक ये ऐसे मुकर्रब बन गए कि फ़रिश्ते इनको अपने परों से मुसलसल साया किए हुए थे तो इससे भी शहदा की फजीलत मालूम हुई कि शहदा बज़ाहिर तो बहुत बुरी हालत में शहीद किए जाते हैं लेकिन अल्लाह इनको ऐसा इनाम कराम से नवाजता है कि वो दोबारा भी शहीद होने की तमन्ना करते हैं तो इससे हमें मालूम हुआ कि शहदा अल्लाह के मुकरबिन है अल्लाह के पास ख़ास इनके लिए मुकाम और मर्तबा है وعن سهل بن هنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي رواه مسلم حضرت سهل بن هنيف رضي الله عنه سے ك رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا जो सच्चे दिल से अल्लाह के अल्लाह से शहादत की दुआ मांगता है तो अल्लाह इसको शहदा के मरतबों पर पहुँचा देगा अगरचे इसे मौत अपने बिस्तर पर ही क्यों ना आए यह हदीस भी पहले बाब सिद में गुजर चुकी है लेकिन अमामा नव राहुल्ला इसको दोबारा इसलिए ज़िक्र फरमा रहे हैं कि इसमें शहादत की तमन्ना और दुआ करने का तस्करा है कि शहादत

जो शख्स सच्चे दिल से शहादत का तलबगार हो तो इसको ये दे दी जाती है अगरचे शहादत इसे हासिल भी ना हो तो इसमें अच्छी नीयत और अच्छे इरादे का बयान है कि इंसान अगर शहादत की तमन्ना करे और सच्ची तमन्ना हो तो अल्लाह ताला उस तमन्ना उस आरज़ू की वजह से उस आदमी को भी शहादत का रुतबा अता फरमा देते हैं अगरचे वो शहीद ना भी हो लेकिन वो शहादत वाली फजीलत और सवाब को पा लेगा यानी आदमी अगर नेकी के कामों का दिल से इरादा करे तो वो इरकाम उसने ना भी किया हो यानी कर काम करने का उसको मौका ना मिला हो तब भी इसको अजर मिल जाएगा और दूसरी रिवायत में इसी को फरमाया नीयतुलमर खैर अमली यानी आदमी की नीयत इसके अमल से बेहतर है के अमल तो थोड़ा ही करेगा मगर नीयत तो खूब कर सकता है और इस नीयत के बकदर इसको अजर षवाब भी मिलता है और इस हदीस में शहादत की आर्ज़ू करने की तरगीब भी दी जा रही है कि अगर सच्चे दिल से यह आज़ू करेगा तो इसको शहादत का दर्जा घर बैठे ही मिल जाएगा

च्यूटी के काटने की तकलीफ़ महसूस करता है तो इसमें बताया कि शहीद को मौत की तकलीफ़ चूंटी के काटने की तरह होती है यानी अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है और अलामा तीब तीबी रहमाला ने यह बयान किया इसका मतलब कि इस हदीस में इस शहीद का ज़िक्र है जो अपनी जान देने में लज्जत महसूस करता है और शहादत पर इसका नफ्स खुश और मतमिन होता है और बाद दूसरे ने एक और मतलब बयान फरमाया वो ये कि शहीद को मौत के बाद अल्लाह की तरफ से जो नेमतें और रहमतें हासिल होती हैं और इन नेमतों और रहमतों के बदले में जो वो लज्जत महसूस करता है तो इसके मुकाबले में मौत की तकलीफ इसको चूंटी के काटने के बराबर महसूस होगी وعن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما حضرت عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس كرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے بعض ان دنوں میں جبكي دشمن سے ہوا इंतजार फरमाया यहाँ तक कि सूरज ढल गया सुबह काम फिर नासी फोकाला फिर आप लोगों में खड़े हुए और फरमाया या अल्जुहन्नास ए लोगों लात तमन्ना उलिका अल्गदुव दुश्मन से लड़ने की तमन्ना न करो वसलुल्लाह आफिया और अल्लाह से आफियत मांगो फा फा इधर फसबिरो और जब तुम इनसे मुकाबला करो यानी जब दुश्मन से मुकाबला हो जाए फसबिर फसबिर तो बस सबर करो वालमो अन्नल जन्नत तहत सुयूफ और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है सुम्मा कौला फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा मुनजिलल किताब ए किताब के नाजिल करने वाले मुजरिय सहाब बादलों को चलाने वाले हाजिम अल अहजाब दुश्मन के लश्करों को शिकस्त देने वाले वंसुरना अलैहिम इनको शिकस्त दे दे और हमारे इनके मुकाबले में मदद फरमा तो इस यह हदीस भी पहले गुजर चुकी है बाबुस खबर में लेकिन नवी नबी रहमतुल्लाह यहाँ पर इसको दोबारा इसलिए लेकर आए कि इसमें ज़िक्र है कि तलवारों के साय में जन्नत का रास्ता यानी जन्नत हासिल करने के लिए जिहाद जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो शख्स मुजाहिद होगा गोया कि वह जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा और उसके लिए अब कोई मुश्किल नहीं वो सीधा शहीद होने के बाद जन्नत में ही जाएगा और इस हदीस से हमें यह भी मालूम हुआ कि लड़ाई की तमन्ना और आरजू नहीं करनी चाहिए लेकिन जब लड़ाई हो जाए तो फिर राह फरार नहीं अख्तियार करना चाहिए बल्कि साबित कदमे का सबूत दें और फिर जमकर लड़ें और दूसरा इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि मैदान जंग में दुआ करना मुस्तहब है बल्कि मैदान जंग में दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो पढ़ा अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तोहफी अता फरमाए उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा السلام عليكم ورحمه الله وبركاته